सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल दी टॉप फोर इंडियन एक्सचेंजेस, उनके फीस के बारे में बात करेंगे, उनके प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अगर 2022 में सोच रहे हो कि हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है, उस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इन दिस वीडियो। सो वी विल हैव अ लुक एट दी ट्रेडिंग फीस, एट द सिक्योरिटी, एट द इन्वेस्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिस टूल का यूज करने वाले हैं, दैट इज coincompare.in। इनका जो वेबसाइट का लिंक है, दैट विल बी इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन। और इनका जो इंटरफेस है, दैट गिव्स यू अ क्विक ओवरव्यू एट दी एक्सचेंज प्राइसेस, एट दी ट्रेडिंग फीस एंड ऑल दोज थिंग्स फॉर ऑल दी टॉप फोर मेजर इंडियन एक्सचेंजेस। बट इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे व्हाइल वी टॉक अबाउट दी फीस स्ट्रक्चर। बट लेट्स हैव अ लुक एट दी एक्सचेंजेस दैट वी हैव करंटली इन इंडिया। तो यहाँ पे चार मेजर एक्सचेंजेस है, वन ऑफ देम Wazirx, CoinDCX, CoinSwitch Kuber एंड Zippay। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Wazirx की। Wazirx का जो वेब UI है या फिर जो मोबाइल ऐप है, वो काफी ज्यादा सिंपल एंड ईजी टू यूज है। अगर आपको ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स चाहिए, आपको बहुत सारे कॉइन्स के ट्रेडिंग ऑप्शंस चाहिए, सो आई थिंक Wazirx इज द प्लेस दैट यू शुड लुक फॉर इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन एन इंडियन एक्सचेंज। अगर हम लोग डिपॉजिट और विद्रॉल्स की बात करें, तो इन सारे एक्सचेंजेस में, इंक्लूडिंग Wazirx, CoinDCX, Zippay एंड यू नो CoinSwitch Kuber, सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें MobiKwik का आपको डिपॉजिट ऑप्शन मिलता है, जिनमें सारे जो है एक फ्लैट फी इम्पोज किया जाता है बाई MobiKwik एज अ ट्रांजेक्शन फी, तो वो काफी हाई है। यू नीड टू टेक कंसिडरेशन ऑफ दैट, जो कि अराउंड 1.8% ऑफ द ट्रांजेक्शन है इंक्लूडिंग GST। तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जाम्पल 100 rupees डिपॉजिट करना चाहते हो इन इंडियन रुपीज, तो आपको ऑलमोस्ट 101.18 paise पे करना पड़ेगा फॉर योर टोटल ट्रांजेक्शन। विदड्रॉल्स में जो एक्सचेंजेस है, कुछ के जो मिनिमम विदड्रॉल लिमिट्स है वो 500 rupees है, कुछ के वो 1000 rupees है। सो फॉर Wazirx इट इज 1000 rupees। और अगर आपको अपना INR विदड्रॉ करना है, यू नीड टू विदड्रॉ एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 1000 rupees फ्रॉम द एक्सचेंज। और जो विदड्रॉल फीस है फॉर NEFT, दैट इज 5 rupees। जो IMPS withdrawals है, उसके लिए आपको 10 rupees पे करना पड़ेगा। इफ वी टॉक अबाउट दी फीस ऑन Wazirx, तो Wazirx का जो बेस फी है, दैट इज 0.2% फॉर ऑल दी ट्रेडिंग हैपनिंग ऑन दी एक्सचेंज। बट एज यूजुअली, अगर आपके पास WRX टोकन है, विच इज दी नेटिव टोकन ऑफ द एंटायर Wazirx इकोसिस्टम, तो वहां पे बेस्ड ऑन योर होल्डिंग, यू कैन गेट अप टू अ 0.5% डिस्काउंट ऑन दी ट्रेडिंग फी फॉर इफ यू हैव लाइक मोर देन 200 WRX टोकन इन योर अकाउंट। तो ये जो फीस एप्लीकेबल है, दिस इज ऑन दी INR मार्केट इटसेल्फ। और आप जो ये टोटल स्ट्रक्चर है, यू नो, ऑफ द लोएस्ट प्राइसेस एटसेट्रा, यू कैन कंपेयर दैट ऑन दिस वेबसाइट। अगर हम लोग इन्वेस्टर्स की बात करें, तो Wazirx को जो है Binance ने 2019 में एक्वायर कर लिया था फॉर एन अनडिस्क्लोज अमाउंट, जो कि हमको पता नहीं है। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ Binance बेस्ड प्रोडक्ट, और इसीलिए आपको Wazirx में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है फॉर ट्रांसफरिंग योर एसेट्स फ्रॉम Wazirx टू Binance अकाउंट यूजिंग दैट इंटर वॉलेट फीचर। तो काफी लोगों को वो फीचर काफी पसंद है, और पर्सनली मैं भी उसको यूज करता हूँ। सो If we compare all of the exchanges, तो ये जो एक specific feature है for transferring funds from Wazirx to Binance at zero fees, it's a something that I really like about Wazirx. इसके बाद हम जिस exchange का बात करेंगे, that is CoinDCX। और 3 दिन पहले CoinDCX ने 10 million customers acquire किया है in India। तो CoinDCX has this really cool feature that I personally like as well, which is the PNL feature। तो अगर आप मतलब ये I have noticed that this feature is available for certain users right now, और काफी लोगों को ये फीचर नहीं भी मिला है। सो इन आर केस, इन माय फैमिली, आई हैव सीन वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैव दैट स्पेसिफिक फीचर, बट किसी लिए वो मेरे अकाउंट में एक्टिवेटेड नहीं है। बट या इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग फीचर, जहां पे आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स को, टोटल सेलिंग वैल्यू को और अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को सिंपली एक स्क्रीन में देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट दी ट्रेडिंग फीस, तो जो CoinDCX में फीस लगती है, दैट इज 0.2%। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑल्सो विजिबल ऑन देयर वेबसाइट, विच इज दी 0.2% मेकर फी एंड 0.2% टेकर फी। दिस ऑल दीज फीज आर इंक्लूडिंग GST, इफ आई हैव नॉट मेंशन्ड इट प्रीवियसली। तो Wazirx में भी जो फीस थी वो इंक्लूडिंग GST है, और जो CoinDCX में भी फीस है, दैट इज इंक्लूडिंग GST। जो withdrawals फी है फॉर INR deposits, तो यहाँ पे CoinDCX का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे कुछ भी withdrawal फी नहीं लगता as far as I know। और जो deposit fees है, that is same across all exchanges using MobiKwik। तो वहाँ पे कुछ 1.something% का एक flat deposit fee चार्ज किया जाता है by MobiKwik as the transaction fee। अगर हम लोग prices और liquidity की बात करें, तो CoinDCX में आपको कुछ कुछ cases में सबसे सस्ता price मिलता है। जैसा भी आप देख सकते हो, Bitcoin is selling for the cheapest in CoinDCX right now।
थोड़ा सा प्राइस गैप है फ्रॉम OZX एंड CoinDesX, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एज यू कैन सी इट्स बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस रेंजेस. फीस के अलावा जो CoinDesX में ट्रेडिंग ऑप्शंस है वो भी कम है एज कम्पेयर टू OZX, बिकॉज आई फील CoinDesX में इतने सारे कॉइन्स के पेयर लिस्टेड नहीं है. सो इफ यू आर अ ट्रेडर जो कि काफी ज्यादा ट्रेड करता है, आइडियली यू माइट वॉन्ट सम मोर ट्रेडिंग पेयर्स, तो मे बी आपके लिए सूटेबल ना हो, बट फॉर पीपल हु आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आई थिंक बोथ ऑफ दीज विल वर्क इक्वली. और इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन एक्सचेंज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो. अबाउट सिक्योरिटी, एज फार एज आई नो तो जितने भी एक्सचेंजेस है वो सारे अपने फंड्स को ऑन अ कोल्ड स्टोरेज, ऑन अ कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट स्टोर करते हैं. So both of these exchanges that we have talked about so far are quite secure. अगर हम CoinDesX के investors की बात करें, so they have a total of 19 investors as far as Crunchbase.com is concerned. तो यहाँ पे इन्होंने recently Series C भी funding raise किया है, and they have raised almost a total of $109 million across the 7 funding rounds. और इनमें से काफी सारे popular investors हैं like Block One, Coinbase Ventures, Polychain and all these various other things. तो yeah, that's about CoinDesX. इसके बाद जो exchange है that is CoinSwitch Kuber, और हालांकि वो mention करते हैं that this has almost zero trading fees, but they have a trading fee of 0.5%. और जो prices है that is also quite high for most of the trading pairs. तो आप देख सकते हो ये जो website है, you know, I have mentioned it earlier as well, coincompare.in. तो यहाँ पे जो prices है they are the lowest across all these four Indian exchanges. और एक और चीज है कि जो CoinSwitch Kuber है उसमें आपको एक वेब इंटरफेस नहीं मिलता, विच आई थिंक इज अ रियली अ बैड थिंग जो कि ट्रेडर्स है जो कि हर रोज ट्रेड करते हैं. तो CoinSwitch Kuber इज ओनली अवेलेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस ओनली राइट नाउ. और या दैट्स ऑल अबाउट इट. अगर आपको सिर्फ मोबाइल पे ट्रेडिंग करना है, आई थिंक मोबाइल पे अच्छे से ट्रेडिंग होती भी नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट यू कैन गो फॉर दैट. इनका कोई भी अभी तक वेब इंटरफेस नहीं आया है. एंड अबाउट इन्वेस्टर्स, दे हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी एज फार एज आई नो. अगर हम लोग CoinSwitch Kuber के इन्वेस्टर्स की बात करें तो दे हैव रेज्ड सो फार अक्रॉस लाइक ओवर 4 फंडिंग राउंड्स, और उन्होंने अभी तक $300 million रेज किया है फ्रॉम द मार्केट इन अ सीरीज सी फंडिंग. अगर हम टॉप इन्वेस्टर्स की बात करें फॉर CoinSwitch Kuber, दे हैव पॉपुलर नेम्स लाइक Sequoia Capital India, देन दे हैव Coinbase Ventures, देयर इज Kunal Shah एज वेल इन्वॉल्वड इन द एंटायर थिंग. तो या they have a lot of popular names working behind the scenes. और इनका एक मुझे बहुत बड़ा जो downside लगता है that is the lack of a web interface, but I hope that they work on it soon. क्योंकि सिर्फ mobile application में यार वो feel नहीं आता. I hope you guys agree to that with me. तो yeah, that's all about CoinSwitch Kuber. And lastly अगर हम Zappi की बात करें, see I'm not a big fan of Zappi, मैं ये honestly बताऊंगा, because they have this weird concept of paying a monthly subscription fee. पता नहीं ये लोग ये क्यों charge करते हैं. They say that this can be avoided by just making one trade a month, but still for inactive accounts, जो लोग एक active trader नहीं है, maybe they can miss out on some months. तो I think it's really something that I don't want to pay for right now, और इसीलिए मैं अपने दोस्तों को Zappi suggest भी नहीं करता just for this reason. ये बताते हैं कि ये जो फी है वो इसलिए चार्ज किया जाता है टू कीप इट अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, बट वी हैव बाइनेंस इन द मार्केट, वी हैव अदर बिग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस राइट. अगर हम इंडिया में भी देखें तो बाकी का कोई एक्सचेंज भी इतना ज्यादा एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी नहीं चार्ज करता. सो वट एक्स्ट्रा मेजर्स आर दे टेकिंग फॉर सिक्योरिटी, आई थिंक दे शुड इन्फॉर्म द कम्युनिटी अबाउट दैट. और अगर हम ट्रेडिंग फीस की बात करें, इनका कुछ अलग से सस्ता भी नहीं है, इट्स 0.04%. तो इट्स ऑल्सो अ क्वाइट हाई ट्रेडिंग फी, एंड उनके जो प्राइसेस है यू कैन सी दे आर बाय फार द हाईएस्ट अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस. सो मे बी दैट्स द रीजन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ Zappi, बट दे एग्जिस्ट एंड दे हैव बीन फॉर क्वाइट सम टाइम इन द इंडियन मार्केट्स. और बस यार अगर आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग फीस, OZX एंड CoinDesX हैव द लोएस्ट ट्रेडिंग फीस अक्रॉस द मार्केट राइट नाउ. CoinSwitch Kuber हैज द हाईएस्ट ट्रेडिंग फी ऑफ 0.5%. प्राइसेस की बात करें, OZX में आपको सबसे कम प्राइसेस मिलते हैं अक्रॉस मल्टीपल कॉइन्स. CoinDesX लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस फॉर मोस्ट केसेस एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ देम, जिनमें उनको लोएस्ट प्राइस वो प्रॉफर करते हैं. And for CoinSwitch Kuber and Zappi, I'm not a fan of either of these exchanges personally, but ye completely mera personal opinion hai. Maybe you guys have different perspective, so do let me know that in the comments. So video already kafi lamba ho gaya hai, mujhe batana apne thoughts definitely, aur agle video mein milte hain, tab tak ke liye bye. Agar aapke kuch bhi doubts hai, you can definitely drop them in the comment section and I'll try to answer each one of them. To agle video mein milte hain, tab tak ke liye bye.